त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी संबंध को जाना समझा। अब इन संबंधों का उपयोग करके, जिसे हम सूत्र भी कह सकते हैं, इन सूत्रों का उपयोग कर किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को आवश्यकता अनुसार दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में हम बदल सकते, बदला जा सकते। आइए रूपांतरण की इस प्रक्रिया को समझें। यदि एक प्रश्न लेते हैं हम कि साइन थीटा को शेष एक प्रश्न लिया हमने कि साइन थीटा को शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बदलें, तो कुछ एक रूप वो हम सूत्र की सहायता से बगैर किसी खास रूपांतरण के हम पा सकते हैं। आइए जरा उन्हें देखें। हमने देखा है कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह रूप साइन का कॉस के रूप में, ये सूत्र के रूप में हमको प्राप्त है और हम इसका उपयोग करें। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, यह भी रूप हमें सूत्र में प्राप्त है। लेकिन अब इसके अलावे साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि हमें बदलना हो तो उसके लिए कुछ रूपांतरण आवश्यक। जैसे साइन थीटा को यदि हम टैन थीटा में बदलना चाहें, आइए हम जरा रफ क्रिया से देखें, कुछ समझें। हम पा चुके हैं सूत्र से कि ये साइन थीटा हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि हम इसे सरल करें तो नीचे सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूप लेगा, और इसे यदि हम परिवर्तित करें तो रूट अंडर ऊपर वाली जो बात है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको याद होना चाहिए यह रूप टेन स्क्वायर थीटा का होता है, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा को यदि हम चाहें तो बदल दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। और अब इसमें ऊपर वाले भाग को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यह स्क्वायर के रूप में है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा, अब बाई नीचे वाले को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम लिखेंगे बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इस प्रक्रिया को एक बार जो है देखें, समझे। हमने साइन थीटा का रूपांतरण टेन में किया और अब इसका अंतिम रूप जो प्राप्त हुआ है हम यहां लिखते हैं कि साइन थीटा हमारा बराबर होगा टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर साइन थीटा को यदि हम सेक थीटा के रूप में बदलना चाहें तो इस क्रिया पर ही हम नजर डालते हुए यही अपने आप को रोक लें और यहां रुक के हम देखें, ये हमारे साइन का रूपांतरण सेक में हुआ है,
अब यहां पर ऊपर वाले पद को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं के कारण हम ऐसा ही लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अब बटे नीचे वाले को हम बाहर निकाल सकते हैं के लिए हम लिखेंगे सेक थीटा। तो साइन थीटा का रूपांतरण सेक के रूप में तो बनेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होल बाई सेक थीटा। और एक रूप में अभी साइन थीटा को बदलना बाकी है वो कॉट का रूप है, और कॉट के रूप के लिए हम साइन थीटा बराबर वन बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इस सूत्र का उपयोग करें। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर वन बाई कोसेक थीटा, यदि हम इस पद को वर्ग करके रूट के अंदर डाल दें तो इसके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दो समान वेट की परंतु विपरीत नेचर की यदि क्रियाएं संपन्न की जाए तो परिणाम अक्षुण रहता है, परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे किसी संख्या में हम दो से गुणा करके पुनः दो से उसमें भाग दे दें तो जो मूल संख्या थी हमारी वही रह जाएगी, इसी तरह किसी संख्या को हम वर्ग करके उसका वर्गमूल निकाल दें या वर्गमूल करके उसका वर्ग कर दें इससे जो है मूल रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ इस संख्या का वर्ग करके इसको वर्गमूल में ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं वन बाई कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, रूट अंडर वन बाई कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और तब यह ऊपर में वन का स्क्वायर वन नीचे में कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद ऊपर में तो जैसे कि ऊपर का जो वर्ग है वो तो हम बताए कि एक का वर्गमूल एक बन के बाहर भी आ सकता है, और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम रूट के अंदर में रखते हुए ही बदलेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस तरह से साइन का कॉट में रूट बनेगा वन बाय रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदला। हम यदि चाहें तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा के रूप में बदल सकते हैं। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम इस पर भी नजर डालें। हमारा प्रश्न है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा के रूप में बदले, और अब इसके लिए हम शुरू करते हैं। कॉस थीटा को यदि साइन थीटा के रूप में बदलना हो तो हम जानते हैं पहले से सूत्र उसका उपयोग करेंगे, तो फिर हमारा कॉस थीटा वह इक्वल होगा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा जो कि होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और हमको साइन थीटा के ही रूप में लिखना है तो हमने लिखा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और बटे कॉस थीटा को हम लिखेंगे रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से टेन थीटा का साइन में रूप बनेगा साइन थीटा बाय रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा के तो ये वन बाई साइन थीटा, सेक थीटा के लिए तो सेक थीटा हम जानते हैं होता है वन बाई कॉस थीटा,
और वन बाय कॉस थीटा के जगह कॉस का जो साइन में रूप है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम सेक थीटा को साइन में बदले और अंतिम कॉट थीटा, और कॉट थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लिखेंगे रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे साइन थीटा के जगह साइन थीटा। तो इस तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा के रूप में बदला। एक बार फिर से जरा आप समझिए, इन सब त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी संबंध और सूत्रों से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी रूप में किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बदल सकते। पहले प्रश्न में देखा आपने कि हमने साइन थीटा को विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदला। संभव है आप कॉस थीटा को विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल सकते हैं, टेन थीटा को विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल सकते हैं, इसी भांति कॉसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा को भी आप विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल सकते हैं। दूसरे प्रश्न में आपने देखा हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा के रूप में बदला। इसी तरह से आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप आवश्यकता अनुसार कॉस थीटा में बदल सकते हैं या टेन थीटा में बदल सकते हैं या जैसे फिर आवश्यकता समझे उस रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसी गुणधर्म का प्रयोग करके आपको आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें सर्व समीका को सिद्ध करना कुछ इस निर्देश का प्रश्न है कि सिद्ध करें कि LHS इक्वल होगा RHS के, और ऐसे निर्देशों के प्रश्नों का समाधान आप इसी रूपांतरण के जो है ना कंसेप्ट का उपयोग करके बना सकते हैं। आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलेगी। इस शुभकामना के साथ आज के लिए धन्यवाद।